देश के लिए, हमारे तिरंगे के लिए पूरी जिंदगी लगा देने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो आज जंतर मंतर पे बैठे हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि देश के खिलाड़ियों को, जिन्हें आज अपने प्रैक्टिस के अंदर होना चाहिए था, वो आज यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। गर्मी है, धूप है, प्यास है, मच्छर है, और ये हमारी बहनें अपने हक के लिए यहाँ पे बैठी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, जितनी भी हमारी ये बहनें जो खिलाड़ी हैं, हमारे भाई जो खिलाड़ी हैं, वो आज यहाँ पे बैठे हैं तो अपना पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे हैं। इनको मालूम है बात कि यहाँ पे बैठने के बाद कई षड्यंत्र इनके खिलाफ किए जाएंगे, कई तरीके से इनको दबाने की कोशिश की जाएगी, इनके करियर को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये सबको मालूम है। उसके बावजूद ये भाई और बहन हमारे यहाँ बैठे हैं, और जिस तरीके के लोग, जिनकी शिकायत इन लोगों ने की है, ये देश का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये देश का कानून है कि अगर कोई इस तरीके की शिकायत करती है, महिला यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। उसके बावजूद ये कई महीनों से अगर अपनी बात कह रही है, तो इसका मतलब यह है कि देश की सरकार आज बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। पूरी की पूरी सरकार उनके लिए बचाव करने की कोशिश कर रही है। हम उन बहनों के साथ हैं, और ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है। किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो बहुत दबाव होता है समाज की तरफ से, बाकी अफसरों की तरफ से, कि चुप हो जाओ, इस बात को यही खत्म कर दो, किसी को बात ये बताई ना जाए, पुलिस पे ना जाया जाए, कोर्ट कचहरी ना की जाए। मगर इन सब दबावों के बावजूद अगर हमारी ये बहनें आज खड़ी हुई हैं, और उन्होंने नाम लेके बताया कि हमारी कुश्ती एसोसिएशन का अध्यक्ष इस तरीके का घटिया काम करता है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि हमारी ये बहनें आज खड़ी हुई हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी की पूरी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन बहनों को आश्वासन देने आया हूं कि जब शुरू में कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है तो शुरू में दिक्कतें आती है। लोग थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं आंदोलन चल पाएगा नहीं चल पाएगा। सरकारें कोशिशें करती है किसी तरीके से इस आंदोलन को दबा दें, खाने की गाड़ी आ रही है तो खाने की गाड़ी को रोक दें, बिजली चल रही है तो बिजली काट दें, पानी की व्यवस्था ना हो पाए, गड्ढे की व्यवस्था ना हो पाए, सब हमारी बहनों ने सहाय बता रही है। मगर हर आंदोलन का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक एनर्जी होती है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो आंदोलन वो बनता है, फिर किसी देश की, पूरे विश्व में किसी देश की सरकार जो है इस आंदोलन को फिर नहीं रोक पाती जब उस लेवल पर पहुंचता है। और जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको कुश्ती की आदत होती है, टेलीविजन पे कुश्ती करते हैं, टेलीविजन में जो स्टूडियो होता है वहां पे कुश्ती करने की आदत होती है राजनेताओं को। पहली बार राजनेताओं का पहला असली पहलवानों से पढ़ा, मैं आपको बता रहा पहली बार पढ़ा। और ये राजनेता नहीं जानते कि वो इस बार पहलवानों के अखाड़े में घुस गए। ये कोई टेलीविजन की डिबेट नहीं है जहां पर बोले और निकल गए, यहां असली कुश्ती है और असली पहलवान है। और क्या है, कई बार कोई कोई पहलवान बहुत उछल कूद बहुत मचाता है अखाड़े में, और जो समझदार होता है वो देख रहा होता है कि अच्छा ये कर ले ये कर ले तो कूद ले, और एक दांव पहलवान का लग गया तो मैं बता रहा हूं धोबी पछाड़ी पड़ेगी, चारों खाने चित्त होगी सरकार।
भी बजरंग है तो भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी है। भगवान राम को भी जब जब संकट पड़ा उन्होंने कहा हनुमान तुम बताओ अब क्या करना है। तो जब संकट मोचन हनुमान हमारे साथ हैं तो यहां के सारे संकट हरेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं भगवान राम भी हमारे साथ है, यही हमारे साथ है। भगवान राम ऐसी जगह नहीं जाते जहां पाप होता हो, जहां पर धर्म की रक्षा होती है वहां पर भगवान राम भी होते हैं और वहां पर कृष्ण भी होते हैं। तो मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं आप सब लोग अपने काम धंधे रोजी रोटी खेती सब छोड़ के यहां पर आए, आप लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, मगर कुछ दिन और इनके साथ आप लगाइए, कुछ दिन और इनके संघर्ष में इनके साथ रहिए। एक एक आदमी जो यहां पर संघर्ष में आ रहा है, जो वहां से देख के चला गया अंदर तक नहीं भी आ पाया, आपकी एक फोटो खींच के चला गया, एक अपनी सेल्फी लेके उसने फेसबुक पर डाल दी, हर आदमी आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। और मैं उन सब लोगों को जो है सलाम करना चाहता हूं जो यहां पर आके जो है उनकी मदद कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हमें इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने धर्मगढ़ में वोट दिए हुए हैं तो हमें ये जंतर मंतर जानता है। जब जब जैसे आते हैं वो जो इडली वाला वहां पर बैठा है जिसके आपने भी खाएंगे सामने वाले, वो कहता फिर आओ, तो जंतर मंतर हमें अच्छे से जानता है। अपनी लड़ाई से पीछे मत हटना। मैं आपको जितना भी मेरा अनुभव है जितना भी मेरा तजुर्बा है बहुत ज्यादा नहीं है, मगर मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं जीत आपकी होगी। धन्यवाद।